कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह गया हो। हमें अपनी जिंदगी में कभी इतनी जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। 5 साल यहाँ रह सकती है, लेकिन मेरी एक शर्त, तुम यहाँ रह सकती हो लेकिन तुम दोनों अलग अलग रहोगे। क्या मतलब है आपका? क्यों? जब एक माँ अपने बेटे से अलग रह सकती है तो बीवी क्यों नहीं रह सकती? ऐसा ये इश्क़ या रब्बा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं यासीन की तरफ जा रही हूँ, जाके बात करें। इरफान, ये हमारा घर है वो नहीं। सर छुपाने के लिए एक आरसी ठिकाना था, मुस्तकिल नहीं। हम ऐसे नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? देखो, फॉर द टाइम बीइंग मुझे पेट्रोल पंप पे जॉब मिल गई है, अभी हम गुजारा कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ, मैं आपको ये सब करता हुआ नहीं देख सकती। अब प्लीज मेरी बात मानो। हम अलग सही लेकिन एक दूसरे के साथ रहें, दूसरे के दिल में। यहाँ रहकर हम साबित कर सकते कि हमारी मोहब्बत पाक है, उसमें कोई खोट नहीं, कोई खर्च नहीं। पछतान, हम इतने साल एक दूसरे से अलग रहे, कुछ अर्सा और से मेरी खातिर। मुझे ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए पछतान। मैं एक फर्श पर रही, लेकिन ऐसी जिंदगी जिसमें कोई रिश्ता ना हो मुझे कबूल नहीं। हम इस घर में रहकर अपनी मोहब्बत से सबको बदल सकते। प्लीज वजदान, प्लीज वापस चले। बाजी, आपने इतना गुस्सा क्यों किया? देखिए ना, वो फिर से चला गया। इतनी मुश्किल से जरनाब यहाँ वापस लाई थी उसे। मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगे। हमें आपकी शर्त मंजूर है। चलो, मैं तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। आज से 5 साल यहाँ रहेंगे। क्या पारसा इस कमरे में रहेगी? इस कमरे की हालत तो देखें। पारसा को तो कोई एतराज नहीं। क्यों पारसा? लेकिन आप तो देखें पारसा किस तरह यहाँ रहेगी। ये जी वजदान, इस कमरे में जरूरत का सारा सामान तो मौजूद है। आप फिक्र ना करें, मैं रह लूंगी। ये सुनो, और हाँ, एक बात याद रखना, वजदान यहाँ पाँव भी न रखे। अगर मैंने उसको यहाँ आते जाते देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कुछ वीडियोस ही देख लूं। अच्छा, कल दिन में हम शाहजेब की तरफ जाएंगे। क्यों अम्मी? तुम्हारे बाबा ने तो उन लोगों से बात कर ली है। अब मैं सोची थी कि मैं भी जाके माजत कर लूं। तुम साथ चलोगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इसका मतलब है कि उन्हें पता चल गया और फिर भी? हाँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बात संभल गई। अच्छा, सुबह तैयार रहना। अब सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। जी। कहाँ बैठ रही है? अगर किसी को किसी चीज की जरूरत हुई तो किससे कहेगा? ये घर में इन कामों के लिए मुलाजिम है। मुलाजिम क्यों? अब बहू आ गई है मेरी। खैर से सबके हाथ पांव सलामत हैं। अगर किसी को कुछ चाहिए होगा तो खुद से कर सकते। अरे आपा, मैं निकाल के लाऊंगी। बहू के होते हुए कोई और तकलीफ क्यों उठाए? तुम सबके खाने के बाद बैठोगी। मम्मी, बहुत हो गया है। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या करना चाह रही हैं। इरशान, इसे खाने से मुंह नहीं मोड़ते। प्लीज खाना खाने बैठ कर। और हाँ, कल से खाना तुम ही लगाओ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल टॉक शो आपकी फेवरेट होस्ट समीना पीरजादा के साथ, जिसमें हमारे गेस्ट हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज। अभी हमारे चैनल स्पीक योर हार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय करें हमारी लेटेस्ट एपिसोड्स, क्योंकि यहाँ बात होती है दिल से दिल तक। सो बी देयर। हम इस बात को दरगुजर नहीं कर सकते। पारसा की वजह से हम पर भी कीचड़ उछाला जा रहा है। लोग तरह तरह के सवालात कर रहे हैं और हमारे पास किसी बात का जवाब नहीं। दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमें इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। नतीजे पर तो बहरहाल पहुंचना होगा। मजीद ताखीर हमारी बदनामी का बायस बनेगी। हमें इफत और शाहजेब के रिश्ते को। इस सब में इफत का कोई कसूर नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है पारसा की वजह से हुआ है, और आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम यहाँ किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रहे, और फिर असूल पसंदी भी कोई चीज होती है। असूल? कैसे असूल? उसका दिल टूट जाए, ये है आपके असूल। और मैं कौन हूं? मैं आपका बेटा नहीं हूं क्या? इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बेटे की खुशी क्या है? बेटा, तहमुल से अपने डैड की भी तो बात सुनो, वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखो बेटा, हमें सिर्फ अपने बेटे की खुशी अजीज नहीं है, बल्कि घर के हर फर्द की खुशी चाहते हैं। और कल को तुम्हारी बहन का रिश्ता होना है। इफत को घर लाने और जमान शाह से रिश्ता जोड़ने पर हम पर पाबंदियां लग सकती हैं। देखो, क्या तुम ऐसा चाहते हो कि तुम्हारी बहन के साथ भी यही हो? इफत भी किसी की बहन है, और उसके साथ ये नाइंसाफी में हरगिज नहीं होने दूंगा। समझाएं अपने बेटे को, हम कल फोन कर देंगे। अम्मी, अब कुछ कूलिंग होगी। आपको पता है उरूसा खाला ने क्या किया? उरूसा खाला से तो क्लासेस लेनी चाहिए। क्या आइडियाज आते हैं उनके दिमाग में। उरूसा बाजी से नहीं, मुझसे। क्या मतलब? मतलब ये कि वो शरीफों जैसी सोच रखने वाली, उनके दिमाग में कभी इस तरह के प्लान्स आ सकते हैं? नहीं, ऐसे आइडियाज वो सोच सकती हैं। ये सब कुछ तुम्हारी अम्मी की बदौलत हुआ है। वाह अम्मी, आपने तो कमाल कर दिया। दोनों को शादी के बाद भी अलग कर दी। मजा आ गया। उसके बाप ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी बेटी इस हाल में होगी। हाय हाय, महलों में रहने वाली शहजादी, किस तरह सर्वेंट क्वार्टर में लापट खाया मैंने। तुम देखना जरना, वो दिन दूर नहीं जब वजदान और वारसा हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ कोई आया था, मगर कौन? सारा, I need to talk to you about something. What? We have to be moving from here soon. But why? हम कहाँ जाएंगे और क्यों? सारा, ये हमारा घर नहीं है। कभी ना कभी तो हमको यहाँ से जाना था ना। But why do we need to go? मुझे ये घर पसंद है डैड। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तुम सब कुछ जानती हो सारा, सब कुछ। तुम इस मुल्क में रहना चाह रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है रह जाते हैं। अब मैंने यहाँ से निकलना है, तो I need your support on this now. मैं कल भाई साहब से बात करूंगा and we will leave in within a week. Okay बेटी? Okay. Okay. All right. कौन गया होगा? इफ़त, हारून? नहीं, मेरे बच्चे तो यहाँ नहीं गए, तो अब क्यों जाएंगे? तो सो गया, सुबह बात करती हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल टॉक शो आपकी फेवरेट होस्ट समीना पीरजादा के साथ, जिसमें हमारे गेस्ट हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज। अभी हमारे चैनल स्पीक योर हार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय करें हमारी लेटेस्ट एपिसोड्स, क्योंकि यहाँ बात होती है दिल से दिल तक। सो बी देयर। इफ़त, तुम अभी तक जाग रही हो? अब जी अम्मी, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा टाइम पास ही कर लो। ये तुम्हारा है? नहीं, अच्छा बेटा जल्दी सो जाओ, बहुत देर हो गई है। अम्मी, मुझे याद आया, ये मैंने सारा के हाथ में देखा था। सारा के पास हसीब का पुराने घर का पता, कहीं वो वहां चली तो कहीं हसीब ने उसे।